नमस्कार मेरे सर। नमस्कार सर। क्या आपका मैसेज है आज, ये आप खुशी खुशी लगाने के लिए आए हैं, आपके बूस्टर डोज लग रही है, पब्लिक के अंदर शानदार मैसेज दीजिए सर। मैं ग्राम पंचायत आलोद का सरपंच हूँ। राइट सर। तहसील इंडोली है। राइट। जिला बूंदी का रहने वाला हूँ जी। रही बात बूस्टर डोज लगाने में, यूँ आया हूँ, आम जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूँ बिल्कुल, हॉस्पिटल में आकर के आपको हर तरह का जो वैक्सीन जो लग रहा है, चाहे वो पहला हो, दूसरा हो या बूस्टर डोज हो, बिल्कुल खुशी होकर के लगाना चाहिए। इससे अपना परिवार, बच्चे बच्ची सब बिल्कुल निरोगी रहेंगे। और अगर आप इसमें मान लो लगाने में कोताही बरत रहे हैं, तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने बाल बच्चों को धोखा दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़ के निवेदन यही है सभी जनता से, आकर के वैक्सीन लगाएं और अपने पूरे परिवार को बचाएं। आपने वैक्सीन के बारे में बहुत अच्छा मैसेज दिया है। एक मैं वैक्सीन से हटकर एक सवाल और करना चाहता हूं, हमारे अस्पताल के विकास के बारे में आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है सर, क्या सोचते हैं, व्हाट इज योर सिंपैथी? मैं सोचता हूं कि आपका हॉस्पिटल का जो स्टाफ है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है विकास के लिए। मैं सोचता हूं कि यहां आसपास क्वार्टरों के पास में थोड़ी जो पार्किंग बनाने का जो है वो बनना चाहिए, अच्छा सुंदरीकरण होगा। पास में एक संगड़ा, एक जो तीन रास्ते गुम फटे हुए हैं, यहाँ पर एक चौपाटी है, उस चौपाटी का भी निर्माण करवाने के लिए मैं बिल्कुल। चलो बढ़िया है, आपने अपनी तरफ से अस्पताल के विकास के लिए बेहतरीन बात बताई है। अब मैं आता हूँ हमारे डॉक्टर साहब नवीन जी शर्मा, जो इस हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। ये जो वैक्सीन का प्रोग्राम है, अपन वैक्सीन का प्रोग्राम दिल से कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर बड़ा जंप आए, तो वो जंप किस तरह से आए, आप थोड़ी सी प्लानिंग बताएं। जंप इस वजह से आएगा कि एक तो अपन को आईईसी पूरी करनी पड़ेगी इसके लिए। राइट सर। व्यक्तियों को समझाना पड़ेगा कि आपके थर्ड डोज लगना स्टार्ट हो चुकी है, 60 वर्ष से ऊपर वाले जिनके 9 महीने कंप्लीट हो चुके हैं जी, इतने डोज लगे हुए, तो तीसरी डोज जरूर लगाए और अति आवश्यक ही है। बिल्कुल, हम संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीन लगाना अति आवश्यक है, इस कोविड-19 से उभरने के लिए। हमारे डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि वैक्सीन लगाना अति आवश्यक है, और ये इस काम को करने के लिए, इस काम में जंप लाने के लिए बेहद कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ लास्ट में हमारे शरीफ जी की तरफ। ये हॉस्पिटल के अंदर जिस अंदाज में काम कर रहे हैं, नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, वैक्सीन ले जा रहे हैं, ये प्रचार प्रसार में काम कर रहे हैं, ये एम्बुलेंस के अंदर काम कर रहे हैं, अस्पताल के परिवार की तरफ से, पूरे गांव वालों के परिवार की तरफ से मैं इनको सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। हां शरीफ जी, भाई साहब आप ये बताइए कि ये वैक्सीन का जो काम कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपको कोई तकलीफ आ रही है, या ये काम कैसे गति पकड़े, लोग कैसे संतुष्ट हो, जरा सा हमें बताएं भाई साहब। नहीं सर, इसमें मेरे को कोई तकलीफ नहीं आ रही है, और मैं